हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब्सक्राइब करें चैनल को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइस, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जॉडिक साइन के लिए है, मेल फीमेल अनमैरिड मैरिड सभी के लिए रीडिंग है। देख सकते हो, जब भी आप चैनल पर आते हो आपके सामने कोई रीडिंग आती है, उसमें आपके लिए गाइडेंस हो सकती है, डेफिनेटली देख सकते हो। टॉपिक क्या लेते हैं गाइस आज के दिन में? टॉपिक ये लेते हैं कि आपके पार्टनर अभी आपके बारे में लोगों से क्या बातें बोल रहे हैं। लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में लोगों से क्या बातें बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इस वक्त में, क्या क्या कुछ भी बोल रहे हैं, प्लीज गाइड मी। वाह, क्या उछल कर आया है पहला कार्ड, क्या बात है। वर्कहोलिक, पैशन, ग्रोथ, जॉय, एक्सपेंशन, इंस्टिंक्ट एंड इंपेशेंस, सर्विस। वाओ, पता नहीं गाइस, इस डेक में भी आपने ना बहुत सारे कार्ड्स देखे होंगे, बहुत सारे कार्ड्स, लेकिन कार्ड्स डेक जो है वो कार्ड्स निकालते हैं रीडिंग के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच हरिहरा, ठीक है, थैंक यू सो मच इतने अच्छे कार्ड्स देने के लिए। मेरे व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि उनके पार्टनर की नजरों में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, पर जब कार्ड्स आते हैं ना तो ये चौंका देते हैं कि ऐसा कैसे। कुछ लोग बहुत यू नो मैनिपुलेटिव टाइप के होते हैं, ये आपके मुंह पर एक्सेप्ट नहीं करते कि इनकी सोच आपके लिए क्या है, जबकि ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। इनकी सोच आपके लिए बेकार नहीं होती, आपके बारे में सोचते बहुत अच्छे हैं, जस्ट आपके साथ बिहेवियर गलत देते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप उस बिहेवियर को टॉलरेट कर सकते हैं, या फिर आप एक आध बार इनके बिहेवियर को टॉलरेट कर लेते हैं तो ये अपने बिहेवियर आपके साथ इस तरीके का रखते हैं, लेकिन इनको सच्चाई मालूम होती है कि आप क्या ही इंसान हैं। हम तो करंट एनर्जी पर रीडिंग करते हैं गाइस, ठीक है, करंट में क्या सोच रहे हैं, परसेप्शन इस पर्सन का आपको लेकर शिफ्ट हो गया है, मतलब व्यक्ति वही जोरदार है जो किसी व्यक्ति की सोच को परिवर्तित करते हैं, ठीक है, जो जैसे सोचता है ना घिसा पिटा, वैसे घिसी पटी सोच को बदल दे। जो परसेप्शन का कार्ड इसी चीज की बात करता है, ठीक है। आप इस लड़की को देखिए कितनी खूबसूरत नजर आती है, हार्ट चक्रा ओपन है, ठीक है, इतनी खूबसूरत खूबसूरती के साथ उसने अपनी ड्रेस को कैरी कर रखा है, ठीक है, नेचर के काफी करीब नजर आती है, एंड कहीं ना कहीं उसने वो दरवाजा खोल दिया है जो उसकी अल्टीमेट हैप्पीनेस का दरवाजा है। बहुत समय तक उसने अपने आप को रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे पता चला कि किसी के साथ नफरत रख के क्या ही करेंगे। अपने आप के अंदर बदलाव करते हैं, अपना हार्ट चक्रा ओपन करते हैं और सब कुछ बदल देते हैं, परसेप्शन ही शिफ्ट कर देते हैं पूरा। ओके, तो आपकी जो पर्सन है वो लोगों से ऐसा बोल रहे हैं कि उसकी सोच काफी अलग है लोगों के साथ, ठीक है, आपकी जो सोच है वो कुछ इस तरीके से बोला जाता है कि लोगों के साथ बहुत डिफरेंट है, और इस वक्त में आप बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं और यही कारण है कि आपकी ग्रोथ होती है, ठीक है। जैसे जो लोग दूसरों की सक्सेस देखकर जलते हैं या नहीं चाहते कि दूसरे आगे बढ़े, सिर्फ खुद को आगे देखना चाहते हैं, ऐसे लोगों के अंदर एक क्या होता है, जेलसी फैक्टर होता है, ये दूसरे लोगों के साथ एक एनर्जी कॉर्ड कनेक्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से इनकी खुद की ग्रोथ रुक जाती है,
और एक इंसान ऐसा होता है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितनी ग्रोथ कर रहा है, उसको सिर्फ इससे मतलब है कि मेरी ग्रोथ होनी चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे मेरी लाइफ में अपने को देखना है, ठीक है। सो उसका कॉम्पिटिशन कोई नहीं होता, ऐसे लोग किसी के साथ कॉम्पिटिशन नहीं करते। तो आपके लिए ऐसे ही बोला जाता है कि आपको किसी किसी की कॉम्पिटिशन से कोई लेना ही देना नहीं है, ठीक है। आप जो काम करते हो वो खुशी के साथ करते हो कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे ये करना अच्छा लग रहा है तो मैं इसे करूंगा। अब आपको नहीं फर्क पड़ता कि चार लोग देख रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, चार लोग क्या कर रहे हैं, कहीं वो आपका काम डिफरेंट है तो वो कुछ आपके बारे में सोच तो नहीं रहे हैं। सो इन सब उल्टी सीधी चीजों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका फोकस इस पर रहता है कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे करना है, मेरे मतलब आपको सिर्फ ऐसा है कि मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे प्रभु को अच्छा लग रहा है तो मुझे करना है, बाकी कौन क्या कहता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। और जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे ग्रोथ चाहिए तो उसको मैं मैनिफेस्ट करता हूँ या करती हूँ, बाकी बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उनकी कितनी ग्रोथ हो रही है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होता। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर आप में रीड करते हैं, और दोनों ही हार्ट चक्र के कार्ड हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपका हार्ट चक्र ओपन रहता है, मतलब आपका आपके मन में लोगों के प्रति घृणा नहीं है, नफरत नहीं है, हेट्रेड नहीं है, आप किसी का अच्छा देखकर जलते नहीं हो, आप किसी की खुशियों से जलते नहीं हो, आप लोगों को खुशियां खुश देखते हो तो आपको लगता है ठीक है उनके हिस्से की खुशी है तो वो खुश रहने चाहिए, ठीक है मेरा टाइम आएगा तब मेरे पास भी होगी। तो किसी को अगर समय से पहले मिल रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है आपको कि उनका काम जल्दी हो रहा है, मेरा देर में हो रहा है, तो इस तरीके के मतलब जो होते हैं ना कि कुछ लोग जलते हैं कि सबका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपके अंदर वो जलन भावना नहीं है, क्योंकि आपको विश्वास है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट भी बन रहा है, भले ही लोगों का जल्दी बन गया, आपका थोड़ा लेट बन जाएगा लेकिन बनेगा आपका भी। तो आपके जो पर्सन है कुछ इसी तरीके की एनर्जी में देखते हैं कि बहुत पेशेंस आपके अंदर है, बहुत ही ज्यादा पेशेंस, ठीक है। और इस पेशेंस का कारण भी कहीं ना कहीं वो ऐसा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ इम्पेशेंस का कारण, यहाँ पर इम्पेशेंस का कार्ड है, ये इस चीज की बात कर रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनको ऐसा लगता है कि आप इतना धैर्य इसलिए बना पाते हो क्योंकि आप यूनिवर्स एंजल्स के काफी ज्यादा करीब हो, आपने वो डिस्कवरी कर रखी है, फिर आपने वो आपके पास वो नॉलेज है कि क्यों अभी मेरे कामों में डिले हो रहा है, ठीक है। जब कोई इंसान 100% एफर्ट्स लगा रहा है और उसके फिर भी कामों में डिले हो रहा है, इट मीन्स कि गॉड का कोई बेटर प्लान है। हाँ, अगर आप काम नहीं कर रहे हो, आप आलस फैला रहे हो, उसके बाद आपका कुछ नहीं बन रहा है, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, लेकिन आप अपना 100% कर रहे हो, आप कहीं से कुछ कमी नहीं कर रहे, आप पूरा परफेक्शन के साथ काम कर रहे हो, आप पूरा रूटीन के साथ पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, अगर आपके काम में रत्ती भर भी बेईमानी नहीं है और आप बहुत सही तरीके से कर रहे हो, तो भले ही आपको आज रिजल्ट ना मिले, ठीक है, आपको थोड़ा डिले फेस करना पड़े, लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आलस फैलाते हैं, तो उनकी एनर्जी नहीं है ये, आपका पार्टनर ऐसा बोलता है कि आप पेशेंस रख पाते हैं, ठीक है, और आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती, खुशी के साथ पेशेंस रख पाते हैं। इस वक्त में आप में से काफी सारे लोगों का परसेप्शन शिफ्ट हो गया, आप ग्रोथ कर रहे हो, आप खुशी से जिंदगी को जी रहे हो। सो आपका पार्टनर ऐसा बोल रहा है कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेकर बड़ा कंफ्यूजन में है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतने खुश कैसे हैं, या फिर सडनली आपके अंदर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से हो गया कि आप अपना लोगों के प्रति आपके मन में कोई हेट्रेड नहीं है, नफरत नहीं है, और आप अपनी जिंदगी पर पूरे फोकस्ड हो गए, ठीक है। जो लोग बाहरी दिखावे पर मरते हैं इस टाइम पीरियड में, आज के टाइम में आधे काम लोग 50% काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको खुद को कुछ प्रूव करना है, या फिर उन्हें खुद की नजरों में महान बनना है, या फिर उन्हें खुद को कुछ देना है, उन्हें खुद के साथ कुछ अच्छा क्रिएट करना है, उन्हें खुद को सेटिस्फाइड करना है, सारा काम इसीलिए होता है। 50% लोग काम इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बाहर लोगों को दिखाना होता है कि देखो मैं कितना महान हूँ, मुझे कितना आता है, मैं कहाँ तक पहुंच गया, मैं किस बड़ी जॉब पर पहुंच गया, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, जहां भी हूँ, ठीक है, मुझे अच्छा दिखना है तो इसलिए दिखना है कि लोग मुझे अच्छा देखें, अच्छा बोलें, ठीक है, मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा इसलिए करना है क्योंकि मुझे लोगों को दिखाना है कि मैं कितना अच्छा हूँ। तो कुछ लोग इस तरीके से काम करते हैं, और कुछ लोग इस तरीके से काम करते हैं कि मुझे अच्छा दिखना है, अच्छा करना है, सब कुछ करना है, मेरे लिए करना है, मैं सेल्फ पर फोकस्ड हूँ, मुझे अच्छा दिखना है क्योंकि मुझे मैं अच्छा दिखता हूँ या दिखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा बोलना है क्योंकि जब मैं अच्छा बोलती हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मुझे मुझे किसी से हेटरेट नहीं है, मुझे किसी से नफरत नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा है ही नहीं दुनिया में, ऐसा है ही नहीं जो मेरा दुश्मन हो, ठीक है, सभी परमात्मा का अंश है। तो आपकी सोच अलग है, ये कहते हैं ना परसेप्शन का अलग हो जाना, ठीक है, यही तो आपका पार्टनर ऐसा देखता है कि अलग इंसान ये, ठीक है, इसका तो सब कुछ अलग ही दिशा से चलता है, और दिशा कोई भी हो लेकिन आप बाद में लोगों को चौंका ही देते हो क्योंकि आप अल्टीमेट जॉय में हो, ठीक है, ग्रोथ भी आपकी हो रही है। ऐसा नहीं है कि ऐसा व्यक्ति मटेरियलिस्टिक लाइफ में ग्रो नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है,
जरूरी नहीं कि आप दिखावे से आगे बढ़ें तो वही आप ग्रोथ करेंगे, ठीक है। आप बिना दिखावा किए भी बहुत ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपका काम करने का तरीका किस तरीके का है और आप कितने ईमानदार है खुद के साथ, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि लोग दुनिया भर के, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर भी आते हैं जो कहते हैं वो अपने पार्टनर के साथ बहुत लॉयल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जब उनकी एनर्जी रीड करती हूँ उनके कमेंट में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पार्टनर के साथ लॉयल रहे, लोगों के साथ लॉयल रहे, लेकिन कभी खुद के साथ लॉयल नहीं रहे। उन्हें जो लॉयल्टी खुद को देनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं दी। उनको जब समझ में आ रही थी चीजें कि सामने वाले में सही नहीं है, तब उन्होंने अपना स्टैंड ही नहीं लिया। अगर वो अपना स्टैंड लेते इसका मतलब सेल्फ लव में थे, ठीक है। वो सबसे पहले अपने साथ लॉयल थे, कहीं ना कहीं उनको ये भी पता था कि सामने वाला चीट कर रहा है, या फिर एक दो बार उन्होंने माफ किया, लेकिन वो लॉयल्टी जो उन्हें दिखानी चाहिए थी फर्स्ट टाइम में वो उन्होंने नहीं दिखाई। सो दुनिया के साथ हम लॉयल हो जाते हैं, कभी कभी खुद के साथ लॉयल्टी नहीं होती। दुनिया को प्यार देते हैं, खुद को नहीं देते। दुनिया को रिस्पेक्ट देते हैं, खुद को नहीं देते। सब बाहर से चाहते हैं, पहले खुद को देना स्टार्ट करो, पहले खुद को भर दो इतना ज्यादा कि सामने से ऑटोमेटिक आने लगे। यहाँ पर कुछ लोगों ने ये करना स्टार्ट कर दिया तो आपका पार्टनर ही कंफ्यूज हो गया कि भाई ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो वो लोगों से ऐसे ही बोल रहे हैं कि पता नहीं ये कैसे हो रहा है, इतना जॉय में, इतना ग्रोथ में कहाँ से आ रहा है ये व्यक्ति, ठीक है। ये तो पूरा ही चेंज हो गया, ठीक है। परसेप्शन ही इस व्यक्ति का बदल गया। एंड वर्कहोलिक एंड एक्सपेंशन, देखिए काम आप बहुत कर रहे हो, मैं कह रही हूँ ना आप ग्रोथ कर रहे हो करियर में, वर्कहोलिक का कार्ड आ रहा है। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा काम करते हुए देख रहा है, वर्कलोड आप पर बहुत हो रहा है। एंड इसके बाद यहाँ पर सोल एक्सपेंशन का भी कार्ड है। सोल एक्सपेंशन इस चीज की बात कर रहा है कि सिर्फ आप बाहर से नहीं, मटेरियलिस्टिक लाइफ है, वर्कहोलिक अगर आप है तो मटेरियल लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। एक्सपेंशन दिखा रहा है कि आप अंदर से भी ग्रो कर रहे हैं, आप अपने अंदर से, अपने भीतर से भी ग्रो कर रहे हैं। आपका सोल एक्सपेंशन हो रहा है मतलब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। सिर्फ आप बाहरी से नहीं ग्रोथ कर रहे हैं, आपकी मटेरियल ग्रोथ भी हो रही है और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है। स्पिरिचुअल ग्रोथ होने का मतलब है चीजों को आप बहुत गहराई से और डीप कॉन्शियसनेस में जाकर समझ रहे हैं, ओके। और वर्कहॉलिक हैं तो बाहर का काम भी आप सारा कर रहे हैं, तो आपके पास मटेरियल सक्सेस भी हो सकती है। दोनों में ही देख रहा है आपका पार्टनर आपको। आप देखिए ना, एक भी कार्ड नेगेटिव अगर आप लोगों के लिए हो तो बताइए। इतने पावरफुल कार्ड्स इस डेक से निकल कर आए हैं, जबकि इस कार्ड में, इस डेक में बहुत सारे नेगेटिव कार्ड्स भी हैं जो आपके नेगेटिव चीजों को दिखाते हैं। लेकिन जब रीडिंग इस पर होती है कि क्या बोलता है, तो वो जो बोलता है ना वो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जिनको ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरे बारे में ऐसी बातें हो सकती हैं, वो अपने कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हाँ मैम मेरे बारे में इस तरीके की बातें हो सकती हैं क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ, ओके। पैशन, पैशन कार्ड है, तो देखिए इस वक्त में आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। टीचिंग आपका जॉब है या जो भी, मुझे लड़की पढ़ाती हुई नजर आती है तो पहला वर्ड जो मेरे अंदर से निकलता है वो टीचिंग ही निकलता है। जैसे लग रहा है कि ये कुछ पढ़ा रही है, पढ़ने की कोशिश कर रही है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर नजर, ये पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी नजर आती है, जैसे आप कुछ बांट रहे हो, ठीक है। आप अपना ज्ञान बांट रहे, जो भी आपका पैशन है, अब ये किसी भी फील्ड में हो सकता है गाइस, जो भी आपका टैलेंट है उसके हिसाब से आप काम कर रहे हो एंड वो उसमें आप ग्रोथ कर रहे हो। जैसे आज के टाइम में एक एक भेड़ चाल है कि सबको जॉब करनी है, सबको गवर्नमेंट जॉब करनी है या फिर प्राइवेट जॉब करनी है, तो मोस्टली लोग जॉब में जाते हैं और वो अपना जो भी उनका क्रिएटिव साइड होता है उस पर करियर कम बनाते हैं। जैसे किसी का क्रिएटिव साइड सिंगिंग है तो उनको लगता है सिंगिंग में क्या ही करियर है। कुछ लोग बनाते हैं 1-2%, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन सब लोग नहीं बनाते। उनको लगता है कि एक स्टेबल स्टेबिलिटी चाहिए तो एक जॉब ले लो, ठीक है। लेकिन आप में से काफी सारे लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स जब आपको इस मार्ग पे लेकर आते हैं तो वो चाहते हैं कि आप अपने पैशन को फॉलो करें, क्योंकि वो आपको सोल सेटिस्फेक्शन देगा और आपकी ग्रोथ उससे भी होगी, ठीक है। क्योंकि आपका मूलाधार चक्र जब हील होता है तो आप मनी को अट्रैक्ट करते हो अपने पैशन के, पैशन से भी, जो भी आप पैशनेट होकर काम करते हो। तो हो सकता है कि जिन चीजों में लोगों का कोई करियर नहीं बनता, आप उन उस चीज में पैसा कमा रहे हो, उस चीज में आप अपना करियर बना रहे हो, या फिर ऐसे किसी फील्ड में करियर बना रहे हो जिसमें लोग दूर दूर तक सोच ही नहीं सकते, ठीक है, या फिर जिसमें इंसान को लगता है कि इसमें कुछ नहीं होता है। तो इस तरीके की चीजें हैं और कहीं ना कहीं यूनिवर्स मतलब ऐसा नजर आता है, आपका पार्टनर ऐसे भी बोलता है कि आप बहुत ही इंट्यूटिव इंसान हैं, आप अपनी मर्जी के हिसाब से काम करते हैं, इस हिसाब से काम नहीं करते कि दुनिया किस तरफ भाग रही है, ठीक है। और ऐसे ही लोग यहाँ मौजूद है जो अपने इंट्यूशंस को फॉलो करते हैं। आपका पार्टनर ऐसा बोलता है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आपको जो अच्छा लगेगा आप वही करेंगे। आप लोगों के हिसाब से काम कम ही करते हो या फिर शायद करते ही नहीं हो। आपका अपना एक अपनी धारणा है, एक अपना अलग परसेप्शन है जिस हिसाब से आप काम करते हो। लोग क्या कहेंगे इससे आपको बहुत कम फर्क पड़ता है या शायद बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपका खुद का एक मतलब ओपिनियन होता है, आपका खुद का एक तरीका
तरीका होता है काम करने का, और आप अपने रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करते हो, ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज आप लोगों की नजर आती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि आप इम्पेशेंस होते हो, बहुत पेशेंस, बहुत धैर्य इस पर्सन ने आपके अंदर देखा हो सकता है, ऐसा बोलते हैं, बहुत पेशेंस है भाई, इतना व्यक्ति अगर कोई पेशेंस रख ले तो हैट्स ऑफ है, क्योंकि आपका पार्टनर ऐसा बोलता है कि आप में बहुत पेशेंस है, कोई भी इतना पेशेंस रख ले तो वो टूट जाएगा, इतना पेशेंस आपने रखा है। और इसका कारण ये है, डिस्कवरी का कार्ड है, आपके पास वो नॉलेज है कि आपको पेशेंस आके रखना क्यों है, या फिर आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट इतना है कि आपको पता है कि आपको आज नहीं तो कल आपकी मेहनत का फल 101% मिलेगा, आज नहीं मिला तो क्या हुआ, कल मिलेगा, बट मिलेगा जरूर। तो आप कभी कर्म से पीछे नहीं हटते, यानी काम करने से आप पीछे हटते नहीं हो कभी। और यहाँ पर कार्ड है सर्विस का, तो आप लोगों को बराबर से सर्विस भी देते हो, मतलब आप ये देखिए यहाँ पर पर्सन की जो एनर्जी निकल कर आई है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं इनके पार्टनर ऐसा सोचते हैं उनके बारे में, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है कि आप अपनी ग्रोथ भी कर रहे हैं लगातार, आप लोगों को भी हेल्प कर रहे हैं, उनकी भी सर्विस आप दे रहे हैं, उनकी भी मदद आप कर रहे हैं, चाहे घर के हों, चाहे परिवार के हों, चाहे समाज के हों, आप मतलब आप देखिए ना, एक इंसान है जो सब कुछ कर रहा है और वो अल्टीमेट जॉय में भी है, इसलिए वो जिंदगी को बढ़िया जी रहा है, क्योंकि उसको पता है उसने कुछ गलत क्रिएट नहीं कर रखा, तो कुछ ऐसा है नहीं जो उसे गलत मिलेगा आगे चलकर, ठीक है, सब कुछ अच्छा उसने क्रिएट कर रखा है तो आगे भी अच्छा ही मिलेगा, और अपना काम वो लगातार करता जा रहा है। तो इस तरीके की एनर्जी में आपका पार्टनर दिख रहा है, इसी तरीके की बातें आपको आपके लिए बोली जा रही हैं कि आप ईश्वर के बहुत करीब हैं, बहुत पैशनेट अपने कामों को लेकर, काफी इंट्यूटिव हैं, बहुत ही वर्कहॉलिक हैं, बहुत काम करने का आपके अंदर जुनून होता है, एट द सेम टाइम काफी स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, और इस वक्त में तो काफी ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, बहुत चेंज हो गए हैं, बहुत जॉय की एनर्जी में है, इस तरीके की ऊर्जा में आपका पार्टनर आपको देख रहा है और लोगों से आपके बारे में ऐसे ही बातें कर रहा है। गाइज, आपसे कितनी रीडिंग रेजोनेट कर रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू गाइज।